नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के अनुसार बने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है HTML images and image mappings। तो आइए शुरुआत करते हैं HTML images से, जिसके लिए मैं सबसे पहले ओपन कर रही हूँ नोटपैड। तो स्टार्ट मेन्यू प्रेस किया मैंने और वहां क्लिक किया नोटपैड। वहां पे HTML टैग से शुरुआत करी, देन इसका अंत होना चाहिए /HTML से। इसके बीच में हेड और बॉडी दो सेक्शंस आ सकते हैं। यदि आपको टाइटल भी नहीं देना और हेड से रिलेटेड अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप चाहें तो हेड सेक्शन दे ही ना तो भी चलेगा। तो अब मैं दे रही हूँ बॉडी टैग, और बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में जो टेक्स्ट मुझे चाहिए वो टेक्स्ट है ही नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि एक इमेज आ जाती है। तो इमेज आने के लिए, उदाहरण के लिए मेरी एक हेडिंग वन है, मान लीजिए MP हायर एजुकेशन। अब मैं चाहती थी कि यहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कोई इमेज आ जाए मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे चाहिए इमेज। तो अब सोचिए कि मैं नोटपैड में तो इमेज बना नहीं सकती, बट जहां तक आपको याद होगा हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखा है दैट HTML इज अ प्योर मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ हर चीज आप मार्क करके बताते हैं। जैसे MP हायर एजुकेशन एक हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं H1 टैग दे रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही मुझे यदि इमेज चाहिए तो उसके लिए भी मुझे टैग चाहिए होगा, एंड दैट टैग इज IMG। तो IMG टैग का मैं प्रयोग करूंगी और प्रॉपर्टी दूंगी SRC। उसका जो एट्रीब्यूट है वो दिया है मैंने SRC, जिसका अर्थ है सोर्स, कि एक इमेज चाहिए मुझे और उसका सोर्स है पर्टिकुलरली कोई फाइल। तो अब एक मिनट के लिए समझिएगा कि आपको एक फाइल चाहिए, और वो फाइल जो है यदि आप सोचें कि आप डाउनलोड्स में रख लें या डेस्कटॉप पे रखी है, तो अगेन बोलूंगी कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम वेब डिजाइनिंग पढ़ें, क्योंकि ये एक वोकेशनल कोर्स है, हम अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं फॉर परफेक्ट वेब डिजाइनर। तो हमें पता होना चाहिए कि यदि हम किसी की एक वेबसाइट बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे उसके लिए, तो हर रिलेवेंट चीज उस पर्टिकुलर फोल्डर में होनी चाहिए, ना कि मेरे माई पिक्चर्स या माई डॉक्यूमेंट्स में कहीं कि मैं अपना फोल्डर तो पूरा उस वेबसाइट का दे दूं और जो इमेज का सोर्स फाइल थी वो कहीं और ही पड़ी हो और वो इमेज उस बंदे जिसके लिए मैंने ये बनाया है उसके सिस्टम में जाके खुले ही ना, है ना। तो हमें ये रट लेना है कि अगर हम कोई इमेज डाल रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए दैट ऑल इमेजेस रिलेटेड टू माय वेबसाइट शुड बी इन वन फोल्डर, से नेम्ड इट इमेजेस। तो इमेजेस फोल्डर मैं बनाने वाली हूँ मेरे ही फोल्डर के अंदर, और वहीं वो इमेजेस रखूंगी। फिलहाल मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो मैं अपना वेब ब्राउजर खोल रही हूँ, मान लीजिए क्रोम, और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं सिंपल NEP भी डालती तो ऑफकोर्स आ ही जाता। उसका मुझे कोई लोगो चाहिए था अच्छा सा, तो मैं गई यहाँ पे मैंने क्लिक किया इमेजेस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मान लीजिए मुझे ये इमेज चाहिए या ये इमेज चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक कर रही हूँ, सेव इमेज एज कर रही हूँ। कहाँ पे, तो वो मैं कर रही हूँ डी ड्राइव में, मेरा जो फोल्डर है वोकेशनल ट्यूटोरियल उसके अंदर एक नया फोल्डर बना रही हूँ इमेजेस। तो इमेजेस में मैंने रखा, मान लीजिए इस पिक्चर का नाम मैं रख रही हूँ NEP, तो इसका नाम पूरा हो जाएगा NEP.JPG, बिकॉज इसका एक्सटेंशन है यहाँ JPEG, है ना। तो ये होने वाली है NEP.JPG। उदाहरण थोड़े और समझा दूं इसलिए इस फाइल को भी सेव कर रही हूँ, और इसको एक्चुअली मैं मेरे फोल्डर में रख रही हूँ, इमेजेस के अंदर नहीं रख रही हूँ। नाम इसका
मैंने रखा एनईपी, अगेन इसका भी रखा एनईपी, और ये भी किस्मत से जेपीईजी इमेज है। अब यहाँ जरूर देखें कि उसका टाइप क्या है, माइट बी पॉसिबल वो पीएनजी होती, जीआईएफ होती, तो हम जब इमेज की सोर्स एट्रीब्यूट दे रहे हैं अपने नोटपैड में तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। तो फिलहाल मैंने किया सेव, अब पहुंची नोटपैड में और यहाँ दिया इमेज का सोर्स इक्वल्स टू एनईपी डॉट जेपीजी, एंड इस टैग को मैं यही बंद करना चाहूंगी। यहाँ एक और बात कह दूं कि इमेज टैग आईएमजी टैग का कोई एंड टैग नहीं होता, तो जिन टैग्स का कोई एंड टैग नहीं होता उनके अंदर हमें स्लैश लगा के ही उन्हें क्लोज करना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि इफ अ टैग हैज एन एंड टैग तो आप उसको स्लैश के साथ एंड करें, एंड इफ अ टैग डज नॉट हैव एन एंड टैग तो एंड इट इन इट विद इन इटसेल्फ, तो हम उसके अंदर ही उसको बंद कर रहे हैं। तो फिलहाल मेन काम की जो चीज थी वैसे आपकी वो ये थी कि आई एम जी टैग था और उसका एट्रीब्यूट था एस आर सी, जिसमें अपन ने नाम दिया है एनईपी। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। डी ड्राइव में आपका जो वीडियो ट्यूटोरियल्स करके वोकेशनल ट्यूटोरियल करके फोल्डर है, एक एनईपी बाहर रखा है विच इज दैट रेड निब वाली इमेज, एंड दूसरी जो है मैं व्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगा देती हूँ। ये देखिए ये रेड निब वाली इमेज है। तो आप समझिएगा ये जो फाइल है मेरी, इस फाइल को जब मैं सेव करूंगी तो वो यहाँ सेव होगी, एंड यहीं पे उसको एनईपी चाहिए, तो क्या होने वाला है, ये जो पाथ हमने दिया है इससे रेड निब वाली इमेज आएगी। और वहीं आप चाहते थे कि नहीं वो इंडियन गवर्नमेंट का लोगो आता और वो वाली इमेज चाहिए, तो आप पाथ समझिए कि आप यहाँ है और यहाँ पे इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर एनईपी डॉट जेपीजी है। तो अब मैं यहाँ और इस फाइल को मैंने किया सेव, नाम रखा मान लीजिए इमेज जिस डॉट एच टी एम एल। अब पहुंची क्रोम पे, तो क्रोम पे हम लोगों ने जो सर्च किया था उसी के अगला एक टैब खोल देती हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे और फाइल खोल रही हूँ इमेजेस डॉट एच टी एम एल। अब देखें एमपी हायर एजुकेशन जो हेडिंग दी थी मैंने वो आई है, एंड देन आईएमजी का एसआरसी इक्वल्स टू एनईपी डॉट जेपीईजी, सेव किया, यहाँ आके रीलोड किया। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तो प्रॉपर्टीज में जाके देख लेते हैं, नाम तो एनईपी ही है, देन प्रॉपर्टीज में जाके देखा, ओके इसका जो टाइप है वो ये है भाई, तो प्रॉपर्टीज में से जाके मैंने वो उठाया, यहाँ पे वो डाला, सेव किया, यहाँ आई और इमेजेस डॉट एच टी एम एल को रीलोड किया। तो देखिए इसलिए एक्सटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हम प्रॉपर्टीज जाके उसको जरूर देखें। तो एक और उदाहरण इसी प्रोग्राम में ले लेते हैं हम, लाइक कॉपी किया इसी को मैंने, एंड देन वो लोगो भी मुझे चाहिए, तो फिर उसका पाथ समझे कि पहले इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर, तो उसके अंदर मतलब एक स्लैश, अगर उसके अंदर भी कोई फोल्डर होता, उदाहरण के लिए आप बिल्डिंग की फोटो अलग डाल रहे हैं, फैकल्टी की फोटो अलग डाल रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको पोर्टफोलियो मिला है, तो फिर वहां पे इमेजेस स्लैश बिल्डिंग स्लैश देन बिल्डिंग में मेन ब्लॉक और जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनकी पिक्चर्स आती, तो यहाँ आप कितने भी फोल्डर्स लगा सकते हैं, एंड देन असली फाइल नेम आएगा आपका। और इस बार मैंने क्या डाला, इमेजेस के अंदर एनईपी डॉट जेपीजी, सेव किया, यहाँ किया रीलोड, अगेन इमेज नहीं आई, तो फिर उसको जाके समझा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो मैं पहुंची मेरे फोल्डर में, एंड देन इमेजेस में इसको मैंने किया राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे पहुंची, इसका एक्सटेंशन भी वही है, तो फिर से मैं पहुंची नोटपैड को सुधारने और यहाँ आके इसे बदल दिया, सेव किया, यहाँ अगेन आई और रीलोड किया।
क्लियर। ये दोनों एक के बाद एक इसलिए आए हैं क्योंकि हमने कोई पैराग्राफ या ब्रेक टैग का यूज तो किया नहीं था, तो यदि आप चाहते थे कि दोनों एक के नीचे एक आए तो यू मस्ट हैव यूज्ड ब्रेक टैग। ब्रेक जो है लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, एंड अगेन क्योंकि इसका कोई एंड टैग नहीं होता तो हम इसको इसी के अंदर क्लोज कर देते हैं विद अ फॉरवर्ड स्लैश विद इन इटसेल्फ। तो इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, रीलोड किया, तो ये देखें एक इमेज, फिर एक एंटर, फिर इमेज आ गई। आपको लंबा गैप चाहिए था तो आप दो या तीन ब्रेक्स लगा सकते थे एंड फिर देख सकते थे। तो ये था इमेजेस से रिलेटेड एक टॉपिक, एंड अभी इसी लेक्चर में हम और आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इमेज मैप को। तो इमेज मैप जो है, बेहतर होता कि मैं आपको बोर्ड पे समझाती लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फिलहाल, तो मैं आपको W3 स्कूल जो वेबसाइट है उस पे लेके चलती हूँ और वहीं से हम इमेज मैप समझते हैं और उसी का प्रोग्राम आप चाहें तो हम यहाँ कर लेंगे। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं कि चलिए सबसे पहले तो हम पहुंचे क्रोम पे। यहाँ पे मैं खोल रही हूँ इमेज मैप इन W3 स्कूल्स। W3 Schools एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ना हो आप सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। तो मैं पहुंची वहां, ये है HTML इमेज मैप्स। तो यहाँ आए और यहीं से मैं समझा दूं कि यदि ये मेरी एक इमेज है एंड ये जो वर्क प्लेस का एक आपको फोटो दिया गया है, इसमें हम चाहते हैं कि नहीं अब हम इसमें दिखाएं कि भाई ये जो पिक्चर है ये मेरा कंप्यूटर है, एंड देन ये मेरा कॉफी कप है, देन ये मेरा फोन है। तो ये जो इमेज है समझे यदि तो आप समझ पाएंगे कि इस इमेज में हर चीज का एक कोऑर्डिनेट है। उदाहरण के लिए यदि आप इस कोऑर्डिनेट को बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे जो है उसको मानते हो 0 0, तो आपको अगर इस जगह आना है तो आपको ऊपर से एक पर्टिकुलर पोजिशन और लेफ्ट से एक पर्टिकुलर पोजिशन पे आना पड़ेगा। तो ये जो उदाहरण दिया है इसको जरा समझे, इमेज का सोर्स था आपका workplace.jpg। तो ये जो इमेज है पक्की बात है इसका नाम वर्कप्लेस होगा, आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, राइट क्लिक और सेव इमेज एज किया मैंने। तो देखिए इसका नाम है वर्कप्लेस, तो चलिए इसे रख ही लेते हैं हमारे पास। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं रख रही हूँ वर्कप्लेस फाइल को। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि एक मैप में इसको कन्वर्ट कर दें। तो इस इमेज के लिए हमने यूज मैप बनाया वर्क मैप को, और वो वर्क मैप कहीं और नहीं बल्कि यही हमने बना दिया है। तो एक वर्क मैप बना जिसमें हम तीन एरियाज डिफाइन कर रहे हैं। अब एरिया ज्यादातर आप देखेंगे रेक्टेंगल ही होते हैं, कभी कभी इन्हें पॉलीगन्स भी बना लिया जाता है कि आप सारे कोऑर्डिनेट्स बता दो, लाइक स्टार टाइप का कोई शेप हो तो यहाँ से शुरू होगा फिर यहाँ जाएगा। तो मोस्ट कॉमन है रेक्टेंगल के लिए RECT। यहाँ पे सर्कल का भी अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है बिकॉज ये जो आपको कप प्लेट दिख रहे हैं, सॉसर और कप दिख रहे हैं, इसके लिए शेप यूज किया है सर्कल। तो इनके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यहाँ एक उदाहरण ही मैं दे देती हूँ, जैसे कि 34 और 44 आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, लेफ्ट से है 34 एंड टॉप से है 44, है ना। तो आप इस जगह पहुंचे, देन अब आपको कहाँ जाना है, तो रेक्टेंगल बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शायद ये कोऑर्डिनेट ही महत्वपूर्ण होगा ताकि आप यहां से सीधा बनाए और इस जगह पहुंच जाए। तो ध्यान से देखिए, अब अगला क्या आया, 270, तो लेफ्ट से 270th पॉइंट पे पहुंचो और ऊपर से टॉप से 350th पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो पूरी कंप्यूटर की इमेज है ये मिल जाएगी। एंड देन यदि आपके पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड फाइल बनी हो तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए यही चीज मैं अपनी एक फाइल में डाल लेती हूँ, कॉपी कर रही हूँ इसको। हमारा जो इमेज एक फाइल थी उसी को मैं सेव एज कर रही हूँ और नाम रख रही हूँ इमेज मैप डॉट HTML।
याद रखें फाइल का नाम हमेशा कुछ ऐसा रखें जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाए कि फाइल किससे रिलेटेड थी। यदि मैं सुनीता विनीता इस टाइप के खुदी के नाम पे ए बी सी डी ऐसे करके फाइल नेम्स रख दूंगी तो उससे जब आप अगली बार उन्हें ढूंढने जाएंगे तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि भाई हेडिंग से रिलेटेड कौन सी फाइल थी और टेबल से रिलेटेड कौन सी फाइल थी। तो नाम इतने क्लियर होने चाहिए, इतने कंसाइज होने चाहिए कि उनको देख के हम समझ पाए कि ओके इमेज मैप से रिलेटेड तो हमारा ये प्रोग्राम था। तो मैंने इसी फाइल को कर दिया है सेव एंड देन इस टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट डाल रही हूं मैं W3 स्कूल से उठाया हुआ जहां पे workplace.jpg फाइल चाहिए मुझे। तो अब थोड़ा दिमाग तो मुझे कॉपी पेस्ट में भी लगाना होगा कि मैंने जो फाइल रखी है वो रखी है इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो पहला काम हुआ ये जो alt एट्रीब्यूट है, alt का मतलब होता है alternate text। तो जब भी आप कोई इमेज बनाते हैं उसमें alt प्रॉपर्टी alt एट्रीब्यूट यदि देते हैं तो उसका अर्थ ये होता है, उदाहरण के लिए अभी जब मैंने लास्ट में दो इमेजेस बनाई और शुरुआत में दोनों ही नहीं आई थी वो, या फिर आप देखते होंगे कि वेबसाइट पे जब कोई इमेज लोड होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि भाई यदि इमेज नहीं आ पा रही है किसी कारणवश, उसका नाम कुछ गलत हुआ है तो कम से कम नाम ही आ जाता। तो इमेज यदि नहीं आ पाई इस बार तो अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और उसका यूज मैप है हैश वर्क मैप, एक आईडी है वर्क मैप। तो यहीं पे नीचे ही आपको एक वर्क मैप मिल रहा है। तो इसका यूज मैप है ये जिसमें मैप के सारे एरियाज डिफाइंड है। तो ये भी ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ठीक है, कंप्यूटर फोन और कॉफी ठीक है, पर एक काम करते हैं ये जो एचरेफ प्रॉपर्टी है उसके लिए हमने जो फाइल बनाई है जैसे कि lists.html वो headings.html वो और कोई फाइल हमने जो बनाई है उसका नाम देख के आ जाते हैं html_tags। ये तीन फाइलें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे इमेज को हमने बना दिया एक वर्क मैप यूज मैप। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जैसे कि मध्य प्रदेश या भारत का नक्शा हो और उस नक्शे में मैं पूरे पॉलीगन्स के एरिया डिफाइन कर दूं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप मध्य प्रदेश की एक फाइल खोल सकते हैं, देन उत्तर प्रदेश की एक फाइल खोल सकते हैं। तो ऐसे करके आप सारे एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत यदि आप करें तो कोऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लेफ्ट एंड देन टॉप, फिर लेफ्ट और देन टॉप, ऐसे से आपका काम चलने वाला है। फिलहाल हमने किया इसको सेव। सेव करने के बाद हम पहुंचे क्रोम पे जहां पे इमेज फाइल खुली थी। अब मैं वहां कंट्रोल ओ कर रही हूँ image_map फाइल को। तो ये है इमेज मैप। ध्यान दीजिएगा मैं फिर से पिछली फाइल पे चलती हूँ। जब आपके पास इमेज फाइल थी तो यहाँ पे आप यदि इसके ऊपर माउस घुमा रहे हैं तो आपको कहीं पे भी वो हैंड नहीं दिख रहा बिकॉज वो किसी को HREF किसी का हाइपर रेफरेंस नहीं दे रहा। लेकिन ये जो फाइल है image_map.html यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास कोई हैंड नहीं आ रहा लेकिन जब आप इस पोर्शन पे पहुंच रहे हैं बिकॉज ये एरिया हमने वर्क मैप में डिफाइन किया है कि भाई इसको कोई क्लिक करे तो वो list.html पे पहुंच जाए, वैसे ही इस फोन को कोई क्लिक करे तो हेडिंग्स पे पहुंच जाए और इस कप और सॉसर को कोई क्लिक करे तो html टैग्स नाम की हमने जो फाइल बनाई थी वो वहां पहुंच जाए, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है फिलहाल हमारे साथ बिकॉज हमने इसको एक इमेज मैप बना दिया था। तो सिंपली आप जब इमेज बनाते हैं तो उसकी कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक src एट्रीब्यूट से आप उसका सोर्स दे सकते हो, alt एट्रीब्यूट से उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हो और यूज मैप जो एट्रीब्यूट है उससे आप उसको कोई मैप बता सकते हो, मैप की आईडी बता सकते हो। तो वही मैप आपने यहाँ डिफाइन किया है। यदि इस मैप का नेम होता मान लीजिए A2 तो यहाँ पे आपको यूज मैप में हैश A2 लिखना पड़ता और उसमें जितने आपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं
उन सब के लिए आप जो HRF करवा रहे हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप यही करवाते, लाइक कोई और बड़ी इमेज आप HRF में दे देते तो इसके क्लिक पे वही इमेज और बड़ी होके मिल जाती है आपको, राइट? तो इसी के साथ HTML इमेज और इमेज मैपिंग से रिलेटेड ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं. मिलते हैं किसी अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू.